नमस्कार। जैसे कि अब आपने देख ही लिया है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो अब हम शुरू करते हैं। हम गैस ऑन करते हैं और उसमें एक चम्मच बटर, इसे हम मेल्ट होने देंगे। बटर को हम मेल्ट होने देंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेल्ट हो गया है, हम इसमें हरी मिर्च जो हमने बारीकी से काट रखी है वो डाल देंगे। आप बटर की जगह तेल भी यूज़ कर सकते हैं। हमने बटर यूज़ किया है क्योंकि ये बटर मसाला रेसिपी है, बटर पनीर मसाला। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हम अच्छी तरह से भूनने देंगे। हमें इस टमाटर की प्यूरी बनानी है, इसी में आप पहले से प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं या बाद में बना सकते हैं। हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। और इसे थोड़ी देर पकने के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि टमाटर पूरी तरह से इसमें घुल जाए और इसकी प्यूरी बन जाए। अब हम टमाटर को चेक करेंगे। देखिए टमाटर मिक्स होने लगा है पानी में, सॉफ्ट होने लगा है टमाटर। तो हम अब इसमें कसूरी मेथी एक चम्मच, कसूरी मेथी और अपने स्वाद अनुसार नमक, डाल देंगे। और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हम थोड़ा और पानी डालकर इसे पकने देंगे। हम फिर ढक देंगे। जैसे कि ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें नमक और मेथी मिक्स हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें पनीर, हमारा काटा हुआ पनीर डाल देंगे। देखते हैं थोड़ी देर में। पाँच मिनट हो गए हैं। 5 मिनट पहले हमने इसे थोड़ी धीमी आंच में पकने रख दिया था। अब हम फिर चेक करते हैं।
इसमें और स्वाद के लिए हम आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसे फिर मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पे, धीमी नहीं, हल्की आंच पे सिकने देंगे। हम इसे फिर बंद कर देंगे। बंद करने से ये थोड़ा जल्दी सिकेगा, बस इसीलिए। अब हम इसे थोड़ी देर सिकने देते हैं हल्की आंच पर, और फिर देखते हैं कि कैसा लग रहा है। 3 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं फिर से। टमाटर एकदम घुल चुके हैं, मेथी और नमक का, मेथी खुशबू आने लगी है, नमक भी एकदम मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें हमारे काटे हुए, इसे एकदम धीमी आंच में कर दीजिए। अब हम इसमें हमारे काटे हुए पनीर डाल देंगे। और इसे मिक्स होने देंगे। फिर से इसे धीमी आंच में कर दीजिए और पनीर को 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच में पकने दीजिए। इसे ढक दीजिए ताकि पनीर में, पनीर सॉफ्ट हो सके। अगर आपको लगे बाद में कि नमक कम है तो आप नमक भी डाल सकते हैं। फिर से अब हम इसे पकने देंगे कुछ 5 से 10 मिनट तक, फिर देखेंगे कि कैसा लग रहा है। अब हो चुके हैं कुछ 7-8 मिनट, देखते हैं कैसा लग रहा है। पानी बहुत ही उबल चुका है, हमें इसका पूरा पानी उड़ाना है, इसे एकदम सुखा देना है। पर पनीर सॉफ्ट भी रहना चाहिए। अगर आप इसे काट के देखें तो ये सॉफ्ट हो रहा है। आंच तेज कर दीजिए, पर ध्यान रखिए कि ये कढ़ाई में चिपकने ना पाए पनीर। हमारा बटर पनीर मसाला, बटर पनीर हमारा तैयार है। ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। होप आपको अच्छा ही लगा होगा। हमें सब्सक्राइब कीजिए और हम साथ में ही सीखते हैं कुछ नया। धन्यवाद।